दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी के बारे में। नाम तो आपने देख ही लिया होगा, गुजरात फ्लोरो केमिकल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी कंपनी के बारे में बातचीत करेंगे। इसके फंडामेंटल देखेंगे, कंपनी क्या बिजनेस करती है, क्या प्रोडक्ट्स इसके आते हैं, और प्रॉफिट रेवेन्यू सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। कब इसने अपना हाई बनाया था, कब इसका लो था, और अभी क्या अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, ये सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है इस पर भी बातचीत करेंगे। दोस्तों कंपनी 2018 में डीमर्ज हुई थी। इसका जो पहले जो इसका पुराना नाम था वो आईएनएक्स फ्लोरो केमिकल लिमिटेड था, और जुलाई 2019 में इसका नाम चेंज होकर गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड पड़ गया। अब दोस्तों बात करें, कंपनी केमिकल सेक्टर से में काम करती है, और कंपनी के दो तीन प्रोडक्ट्स जो मेन है वो आते हैं। कंपनी फ्लोरो पॉलीमर्स मैन्युफैक्चरर में लीडिंग कंपनी है, और इसके अलावा रेफ्रिजरेंट्स और फ्लोरो स्पेशलिटीज केमिकल का भी इसका प्रोडक्शन होता है, इस पर भी काम होता है इसमें। इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी के प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कौन कौन से इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने बता रखा है, लिखा हुआ है। देखिए इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑयल एंड गैस, प्रिंटिंग, इंक्स, सेमीकंडक्टर, आजकल आपने नाम सुना होगा सेमीकंडक्टर की काफ़ी अच्छी खासी डिमांड है मार्केट में इंडिया के अंदर, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और जितनी भी तरह की व्हीकल्स होती हैं उसमें में भी कहीं ना कहीं इसका यूज़ होता है। तमाम पार्ट्स इसके बनते हैं व्हीकल्स के, और उसमें यूज़ होता है, तो सेमीकंडक्टर की अच्छी खासी डिमांड है दोस्तों। और ये अभी तक इसमें इसका जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर थोड़ा कम था, बाहर से चाइना वगैरह इसकी काफ़ी अच्छी सप्लाई करता था, वो चाइना से अभी बहुत सारी चीज़ों पे बैन लगा दिया है जो है इंडियन गवर्नमेंट में, और रेटों का भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से अब इंडिया ये चाहता है कि चाइना से या बाहर किसी कंट्री से सेमीकंडक्टर ना मंगा के हम यहाँ पे क्यों ना इसका प्रोडक्शन चालू करें। और बहुत सारी कंपनियाँ इस पर काम कर रही हैं, टाटा ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है, वेदांता ने भी एक बीच में भी किसी कंपनी के साथ में टाई अप किया था, और काफ़ी बड़ा प्लान डालने की जो है वो प्लानिंग कर रखी है, और उसमें भी सेट डाल दिया है, उसके बारे में कभी बताऊँगा आपको, आप गूगल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो अब मेन फोकस है इसमें देखिए प्रोडक्ट्स कहाँ का यूज़ होता है, मैंने आपको बताया केमिकल प्रोसेसिंग में भी इसका प्रोडक्ट यूज़ होता है, एग्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, सॉल्वेंट, फार्मा, एसी वगैरह में इसका ये सब प्रोडक्ट इसके यूज़ होते हैं। अब फोकस जो है वो कंपनी का मेन जो है वो कहाँ पे है इस समय, ईवी एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे है। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्कोप काफ़ी बढ़ गया है दोस्तों, आजकल अब मार्केट में जगह जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में ही देखते हैं सुनते आ रहे हैं, क्योंकि अब डीजल पेट्रोल जो भी गाड़ियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती जा रही हैं, और इसमें इसका जो एक्सपेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और जो अपने एटमॉस्फेयर के लिए भी, अपना जो एक प्रकार से देखा जाए इकोसिस्टम के लिए भी वो ये हानिकारक होता है, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन इसमें होते हैं डीजल पेट्रोल वगैरह गाड़ी में, तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रही है, और ज़ीरो 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 पोल्यूशन पर काम हो रहा है इसका, तो ये मेरे हिसाब से इसका स्कोप अच्छा है, बाजार इसकी काफ़ी अच्छी मार्केट आने वाले टाइम पे हो सकती है। इसीलिए कंपनी इस तरह की कंपनियां जो भी हैं वो जो भी रिलेट करती हैं ईवी से और रिन्यूएबल एनर्जी से, विंड एनर्जी से, इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है, तो इसमें कंपनियां काम करें और प्रॉफिटेबल जो है इसमें बिजनेस है, ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब किसी चीज़ में प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो ग्रोथ भी अच्छी होती है ना। दोस्तों बात करें, ये तो हो गया कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो कहाँ का एक्सपोर्ट होता है, इंडिया के अलावा भी जो कंपनी बाहर एक्सपोर्ट करती है यूरोप, जापान, अमेरिका एंड एशिया में, ये देखिए लिखा हुआ है, तो इन करीब ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका जो है जो प्रोडक्ट्स वो एक्सपोर्ट होता है। कंपनी दोस्तों मिड कैप कंपनी है, करीब 30,000 के आसपास, 29,611 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। स्टॉक जो पी है वो करीब 22 के आसपास है, 22.38। इंडस्ट्री पी के हिसाब से थोड़ा सा ओवरवैल्यूड है, इंडस्ट्री पी जो है वो 16.24 है, तो थोड़ा सा अभी जो है प्राइस ओवरवैल्यूड है, करेक्शन होने के बाद भी करीब आज की डेट में देखा जाए तो 34% का करेक्शन अभी भी बाकी है हुआ है, और यूं देखा जाए तो 52 वीक लो जो है 2534 रुपये का है, और 52 वीक जो हाई है वो 4174 का है, तो उसके हिसाब से 39% करेक्शन हुआ था, लेकिन अभी कंपनी
एक बार थोड़ा सा ऊपर स्टॉक गया है, फिर अभी थोड़ा सा नीचे हुआ है, दो तीन बार करेक्शन में अभी चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है। और इसका अभी जो प्राइस है वो 2500 से ऊपर 3500 के बीच में ही, अभी 1000 रुपये के आसपास है, इसी के बीच में घूम रहा है। और अभी इसने जो बेस बनाया हुआ है 2600 के आसपास का बेस बनाया हुआ है, ये इसका जो है स्ट्रांग सपोर्ट हो रहा है मेरे हिसाब से। अगर ये 2600 का सपोर्ट तोड़ता है, नीचे जाता है, तो ये इसमें ये स्टॉक काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, फिर ये इसमें ज़्यादा जो है डिस्काउंट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है। तो दोस्तों अगर 2600 का 2500 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के चलिए, और वैसे इससे नीचे जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जाता है तो आपका कम से कम लॉस होने से आप बच जाओगे, लंबा लॉस होने से बच जाओगे। और दोस्तों रेजिस्टेंस जो इसका है, रेजिस्टेंस इसका 2965 का पहला रेजिस्टेंस है, अगर इसको तोड़ता है तो 3175 का सेकंड, एंड थर्ड जो है 3415 का, 3415 का रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये इसमें अपना ऑल टाइम हाई छूने का सिस्टम बन जाएगा, और ये अपने ऑल टाइम छूने के आसपास, ऑल टाइम के आसपास 4174 के आसपास पहुंचने की तैयारी में लग जाएगा। और फिर उसके बाद अगर फोर अपने ऑल टाइम हाई को अगर क्रॉस करता है तो फिर इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात करें आगे क्या ग्रोथ लग रही है, एक तो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, देखिए पी के हिसाब से थोड़ा ओवर वैल्यूड है, तो क्योंकि करेक्शन होना अभी थोड़ा सा हो सकता है, और भी हो सकता है, तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिएगा। और बाकी आरओई अच्छा है, आरओई आरओई करीब 27.1719% का है, ईपीएस 120 का है, और कंपनी डिविडेंड देती है मगर बहुत ही नाम मात्र के आसपास है, 0.15% का डिविडेंड है, तो डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है। और बात करें फेस वैल्यू की, फेस वैल्यू एक की है तो स्प्लिट होने के चांस नहीं है, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, बोनस शेयर कंपनी इशू कर सकती है जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट गेन करेगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, कंपनी के ऊपर डेब्ट बहुत ही कम है, 0.27 का है डेब्ट, जो कि ये सामान्य डेब्ट होता है, जनरल इसमें ज़्यादा जनरली कोई दिक्कत नहीं आती है, कंपनी मतलब डूबने वाली कंपनी नहीं है, कंपनी जो है सर्वाइवल कंपनी है। अब दोस्तों प्रॉफिट की बात करें, देखिए 2020 में 196 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2606 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसके बाद 2021 में -219 करोड़ का यहाँ लॉस हो गया कंपनी को, और 2650 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ, रेवेन्यू लगभग आसपास ही था। 2022 में कंपनी ने बैकअप किया, फिर 787 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, और जस्ट रेवेन्यू को अपने डेढ़ गुना कर लिया, 3954 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। 2023 में 1329 करोड़, जस्ट डबल प्रॉफिट आसपास, और जो फिर डेवड़ा जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया, 5685 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब दोस्तों देखिए प्रॉफिट 2021 में थोड़ा सा नीचे गया, डाउनफॉल मारा इसने अपने प्रॉफिट को, लेकिन रेवेन्यू में कोई ज़्यादा कमी नहीं आई। अब 2022 और 23 में ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन किया है कंपनी के अंदर, कंपनी ने, और इसके अलावा कंपनी का ईपीएस भी बढ़ा है। बट क्योंकि स्टॉक लगातार भागा जा रहा था, लगातार भागा जा रहा था, 2020 से 300 रुपये से बढ़कर ये 4174 रुपये तक गया, तो दोस्तों इसने करीब 12 गुना पेमेंट, 13 गुना पेमेंट कर दिया, तो इसमें करेक्शन होने के चांसेस तो थे ही। अब कोई स्टॉक आपका पैसा 10 गुना, 12 गुना, 20 गुना कर देगा तो उसमें एक मेजर करेक्शन आएगा, जबकि स्टॉक इतना मजबूत है, इस वजह से इसमें करेक्शन बहुत बड़ा करेक्शन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक ठाक करेक्शन हो चुका है, करीब 39 मतलब 40% के आसपास करेक्शन हुआ, और अभी भी 34% का करेक्शन अभी भी यहाँ से शो कर रहा है। तो एक अगर यहाँ पे आप बाइंग करते हैं, और अगर स्टॉक काफ़ी नीचे नहीं जाता है, 4-5% जाता है, यहाँ से कमबैक करता है तो, और कमबैक करेगा, नो डाउट कमबैक करेगा, क्योंकि कंपनी 2023 में प्रॉफिट में आई है और 2024 में भी अच्छा खासा इसका प्लान है, अपने जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उस पे अपने ग्रोथ को लेके काफ़ी अच्छा खासा इसने प्लान कर रखा है। फोकस है आपको जैसे मैंने बताया, फोकस ऑन ईवी एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे, जिसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है, तो इस वजह से ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं और शेयर प्राइस बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, और ये एक मल्टी बैगर कंपनी साबित हो सकती है। पिछले 10-3 सालों में ये मल्टी बैगर बना है, और आगे भी ये मल्टी बैगर, ये 5000-10000 रुपये तक शेयर इसका जो प्राइस है वो जाने की कैपेसिटी इसके अंदर है दोस्तों। तो अब देखिए बात कर लेते हैं, तो प्रॉफिट वगैरह रेवेन्यू की बातचीत हो गई, और फंडामेंटल हम लोगों ने देख लिया, प्रोडक्ट्स के बारे में जान लिया, अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। इससे एक थोड़ी सी जानकारी मिलती है कि चल क्या रहा है, इन्वेस्टर क्या काम कर रहे हैं, इस पर बड़े इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं,
तो इस पे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 63.81 की है, मार्च में थी, सेम जून में भी है, तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग घटाई बढ़ाई नहीं है, मजबूती के साथ बने हुए हैं। म्यूचुअल फंड्स ने अपनी 5.61 से घटा के 5.56 कर लिए, तो थोड़ा सा इन्होंने घटाया है जो भी इनको लगा हो। डीआईएस देखिए इन्होंने बढ़ाई है 0.02% से बढ़ाकर इन्होंने 0.09% कर लिया है, मतलब 0.07% का इन्होंने इंक्रीज स्टेक किया हुआ है। एफआईएस ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है 4.85% से बढ़ाकर 6.44% कर दिया है, और करीब 2.4% के आसपास उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है दोस्तों। तो और देखिए रिटेल इन्वेस्टर, देखिए रिटेल इन्वेस्टर ने इनका स्टेक घटा हुआ है 225.71 का, यहाँ से घटकर 24.10 का हो गया है, मतलब करीब 1.5% के आसपास इनका स्टेक घटा हुआ है। तो दोस्तों 1.6 के आसपास, तो दोस्तों देखा आपने, जहाँ भी जब तक स्टॉक बढ़ गया था बढ़ने से घट रहा था, तो अब रिटेल इन्वेस्टर इसमें जब स्टॉक बढ़ता है ना दोस्तों, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर करते क्या है कि जब स्टॉक बढ़ रहा होता है, भाग रहा होता है, तो हम लोग उसको पीछे उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, है ना, और जिसकी वजह से हम लोग हाई प्राइस पे इसको बाई कर लेते हैं और फंस जाते हैं। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो सस्ते प्राइस पे हमेशा बाई करते हैं। अब क्योंकि एक अच्छा खासा करेक्शन उनको दिख रहा है, करेक्शन होने के बाद कंपनी प्रॉफिट में भी है और ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं है, अपने पी के आसपास ही चल रहा है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, तो 2-4-500 रुपये का इसमें करेक्शन हो सकता है, मतलब 10-15%, 20% का करेक्शन हो सकता है, इससे ज़्यादा करेक्शन नहीं होना है मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा अगर स्टॉक गिर गया तो। लेकिन अभी भी अगर आप इसमें एक SIP मोड में आप काम करते हैं, तो इसमें कोई लॉस होने के चांसेस आपके नहीं। अगर 10% घट भी गया तो आप अभी अपना जो है 25% या 30% अपना इन्वेस्टेशन, जैसे 50,000 आपको लगाना है तो 15,000 लगा दिए, 10,000 लगा दीजिए, तो अगले अगर स्टॉक गिर गया तो भी आप खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका एवरेज बन जाएगा, और स्टॉक बढ़ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से ट्रेडिंग का जो सिस्टम बनाया जाता है, इसमें पूरा पैसा नहीं लगाया जाता कभी भी, किसी भी कंपनी में पूरा पैसा मत लगाइए, धीरे धीरे इसमें अगर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख भी रही तब भी आप उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए, है ना, तो उसमें कभी आप लॉस नहीं उठाएंगे। अब देखिए, देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न से क्या लग रहा है, DIs इंस्टीट्यूशन जो है, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरनर इंस्टीट्यूशन जो है, उनको इस कंपनी के अंदर अब जून में दिख रहा है कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी है, यहाँ से हम प्रॉफिट उठा सकते, अच्छा खासा उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर इंस्टीट्यूशन जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं अपनी होल्डिंग, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक अब आगे की तरफ बढ़ने वाला है और इस पे हम एक बार इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। हालांकि ये मेरी इन्वेस्ट करने की कोई सलाह नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ केवल नॉलेज पर्पज़ के बना रहा हूँ दोस्तों। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरी वीडियो, मेरी जानकारी कैसी लगी दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और किन किन लोगों ने गुजरात फ्लोरो केमिकल्स में इन्वेस्ट कर रखा है, या जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और जिन लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया हुआ है, बहुत लोगों ने 2020 में इन्वेस्ट किया होगा, अभी होल्ड किया होगा दोस्तों, वो लोग भी अगर इस वीडियो को देखें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितना प्रॉफिट उन्होंने गेन किया हुआ है, परसेंटेज वाइज अमाउंट नहीं बताएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको आप तक पहुंचती रहें और मेरा मनोबल बना रहे, और आगे भी हम ऐसी वीडियो बनाते रहें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नए किसी जानकारी के साथ मिलेंगे, नए किसी शेयर के साथ मिलेंगे, और आज के शेयर बाजार मिस्ट्री में बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार, शुभ रात्रि।